पिछली बारी जब हम मिले थे तो हमने बात की थी रिगार्डिंग स्वदेशी मूवमेंट। और वन सेकेंड, ये बड़ा बेसिक है हमारा जो ये सफ़र है, इसमें बड़ा सुपरफिशियली हम जल्दी जल्दी सब कुछ, सो दैट हमको ओवरऑल ओवरव्यू मिले कि हुआ क्या है। स्वदेशी मूवमेंट 1907 आते आते डिक्लाइन हो चुका था। हमने बात की थी कि कांग्रेस में स्प्लिट भी आया 1907 में, सूरत स्प्लिट। तिलक को एम्प्रिजन किया गया, 1908 में उनको डिपोर्ट कर दिया गया। अरविंदो घोष, बिपिन चंद्र पाल जो बड़े मिलिटेंट लीडर्स थे, ये भी पॉलिटिक्स से रिटायर हो गए। लाला लाजपत राय ने भी ये हिंदुस्तान छोड़ के कुछ देर के लिए चले गए। अब यू कैन सी दैट ऑल ऑफ दीज डेवलपमेंट्स दे वुड लीड टू द डिक्लाइन इन द मोमेंट, नेशनलिस्ट मोमेंट। इससे बड़ा वो ठंडा पड़ गया, कुछ साल तक डोरमेंट रहा, लेकिन फिर आया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पे फिर से रिवाइव होना शुरू हो गया। एनी बेसेंट एक फॉरेनर है और ये बड़ी मुतासिर थे हिंदुस्तानी कल्चर से, हिंदुस्तानी कस्टम से, हिंदुस्तानी मजाहिब से। और तिलक, इन दोनों ने होम रूल लीग्स शुरू किए। दो पैरेलली होम रूल लीग बनी थी, वन लेड बाय तिलक, अनदर लेड बाय एनी बेसेंट। और इन दोनों ने, मतलब इट वाज नॉट राइवल नहीं थे, तो वो प्रॉपर अपने एरियाज इनने डिफाइन किए थे कौन कहाँ पे काम करेगा। 1916 आते आते कांग्रेस की भी जो दो ये जो स्प्लिट हो गए थे वो यूनाइट हो गए। गदर मोमेंट यूनाइटेड स्टेटमेंट्स में, यूनाइटेड स्टेट्स में कुछ इंडियन रेवोल्यूशनरीज ने शुरू किया। इनका भी मकसद वही था, ओवर थ्रोइंग ब्रिटिश रूल इन इंडिया। हावेवर सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे बड़ी डेवलपमेंट इस पूरे टाइम में है अराइवल ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी। इन्हीं को बाद में पॉपुलरली महात्मा गांधी कहकर बुलाया जाने लगा, या बापू कहते थे इनको। महात्मा का टाइटल प्रोबेबली इनको रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। अच्छा, ये आए कहाँ से? अराइवल फ्रॉम वेयर? फ्रॉम साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से आए थे। साउथ अफ्रीका में भी खामोश नहीं रहे थे गांधी, वहाँ पे हिंदुस्तानियों के राइट्स के लिए वहाँ पे भी लड़े थे। वहाँ पे क्या था, वहाँ पे अपार्थाइड रेजीम थी, तो बड़ा वहाँ लड़े थे उनके खिलाफ भी। 1919 से 1947 तक, जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, गांधी इसके सबसे बड़े लीडर थे। गांधी वॉज इट्स बिगेस्ट लीडर। गांधी हिंदुस्तान कब आए? 1915 में, 9 जनवरी। अच्छा, ये 9 जनवरी 1915 अभी भी सेलिब्रेट किया जाता है। इसको सेलिब्रेट किया जाता है एज प्रवासी भारतीय दिवस, नॉन रेजिडेंट इंडियंस का दिवस। इससे काइंड ऑफ दे आर कनेक्टेड टू देयर मदर लैंड। अब आगे क्या किया इन्होंने? पहले ये पूरा हिंदुस्तान घूमे, इस कस्टम को भी जिंदा रखा गया है हिंदुस्तान में। भारत दर्शन कराया जाता है लोगों को, सिविल सर्विसेज के लोगों को कराया जाता है पूरे इंडिया का टूर, भारत दर्शन। सो गांधी व्हेन ही केम बैक, ही स्पेंट ए ईयर ऑलमोस्ट हिंदुस्तान के डिफरेंट खित्ते में वो चला गया। और वहाँ से इन्होंने देखा कि क्या मसाइल हैं हमारे लोगों के, तो बड़ा इन्होंने संजीदगी से सफ़र तय किया एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग। पॉलिटिकल एंगेजमेंट 1917 आते आते शुरू होगी, जब इन्होंने कुछ एक इश्यूज उठाए, लोकल इश्यूज, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, ये डिफरेंट जगहों में उन्होंने कुछ इश्यूज, खेड़ा में पेजेंट्स के इश्यूज थे, चंपारण में इंडिगो फार्मर्स के इश्यूज थे, अहमदाबाद में टेक्सटाइल मिल वर्कर्स के इश्यूज थे। और इन सारे स्ट्रगल्स में एक स्पेसिफिक मेथड ऑफ एजिटेशन हमको दिखता है, द गांधीयन वे ऑफ डूइंग थिंग्स। सभी लीडर्स का अपना एक तरीका होता है, गांधी जी का भी अपना एक तरीका था काम करने का। इनके काम को हम सम अप कर सकते हैं सत्याग्रह। इसको बाद में फिर समझा भी गया, इस पे किताबें लिखी गई हैं, गांधी के पॉलिटिकल थॉट पे, गांधी के
सिविल डिसोबीडियंस पे। हम सिविल डिसोबीडियंस की फ़िलासफ़ी इंशाल्लाह पढ़ेंगे किसी दिन। इसके बहुत बड़े नाम हैं कुछ जहाँ से ये गांधी मुतासर थे, उनको हम देखेंगे उनके फ़लसफे को। हम लियो टॉलस्टॉय का फ़लसफा भी इंशाल्लाह एक दिन देखेंगे। तो सत्याग्रह के बारे में पता चल गया। अब सत्याग्रह ऑलरेडी टेस्ट हो चुका था यहाँ साउथ अफ्रीका में, और वहाँ पे पार्शियली सक्सेसफुल रहे भी थे गांधी जो मनवाना चाहते थे उसमें। सो ही वॉज सक्सेसफुल इन अचीविंग हिज गोल्स पार्शियली। सो वहाँ पे टेस्ट किया लैब में, अब यहाँ पे इट्स गोइंग टू वर्क। चंपारण में, चंपारण बिहार में है, वहाँ पे इंडिगो एक तरीके का मान लीजिए पौधा है, प्रोबेबली उसको नील का पौधा कहते हैं, आई एम नॉट श्योर। ये डाइज वगैरह इससे प्रोड्यूस होते हैं। इंडिगो प्लांटर्स देवर फोर्सिंग वहाँ के जो लोकल पेजेंट्स थे कि नहीं इंडिगो पैदा करना है। अब ये उनके लिए फ़ायदेमंद था नहीं, इट वॉज़ नॉट प्रॉफिटेबल फॉर देम। इवन देन देवर फोर्स्ड कि इसको उगाना है, और इसकी वजह से देवर सफरिंग लॉसेस, और उनको ये करना पड़ता था अपने सबसे ज़्यादा फर्टाइल लैंड्स में ग्रो। गांधी जी को इन्वाइट किया गया बाय द पेजेंट्स कि हमारा ये मसला है, ये हल करके दीजिए। ये कहानी खुद में बड़ी इंटरेस्टिंग है, इंशाल्लाह कभी मौका मिलेगा जब हम डिटेल्ड इन्हीं चीज़ों को पढ़ेंगे, ये देखेंगे कि ये क्यों गए गांधी के पास, क्या हुआ था। ये सारी चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी खुद में है, लेकिन हमारा क्या है, हम 30 साल एक सेशन में मुकम्मल कर रहे हैं। सो यू कैन अंडरस्टैंड हम इनकी नुआंसेस में नहीं जा रहे हैं। अदरवाइज ये खूबसूरत कहानियाँ हैं कि वाई डिड अ पर्टिकुलर पर्सन, हाउ डिड ही गो अलॉन्ग विद इट, वाई गांधी, वट वॉज हिज फर्स्ट स्टेप, वट वॉज हिज सेकेंड स्टेप, फिर अगले दिन क्या किया, हम उनमें नहीं जा रहे, बट दैट्स अ गुड स्टोरी इन इट्स ओन राइट। तो गांधी जी वहाँ चले गए और ही लेड द स्ट्रगल ऑफ द पेजेंट्स एंड वॉज सक्सेसफुल टू गेट देम रिलीफ। तो गांधी वन ब्रिटिशर्स जीरो, तो पहली मौके पर इनको कामयाबी भी मिली। और ये कैसे हुआ वो अच्छी स्टोरी है। मौका मिले आप लोगों को तो आप इसको पढ़िए, हमें मौका मिला तो इंशाल्लाह हम भी उसको देखेंगे। खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में है, यहाँ पे क्या मसला हुआ था, यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हुई थी, बारिश की वजह से क्रॉप्स हुए डैमेज्ड। तो खेड़ा के जो पेजेंट्स थे वो डिमांड कर रहे थे गवर्नमेंट को कि इस साल ये हम नहीं कर सकते लगान अदा, वी वुड नॉट बी एबल टू पे द रेवेन्यू। गवर्नमेंट ने नहीं माना, तो गांधी जी के पास पहुंच गई बात कि ठीक है कर लीजिए। तो इन्होंने अपना खेड़ा सत्याग्रह 22 मार्च 1918 को लॉन्च किया और पेजेंट्स को बोला कुछ मत करो, नहीं देना है रेवेन्यू, कोई ज़रूरत नहीं है पे करने की। बड़े सारे पेजेंट्स ने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, लेकिन गवर्नमेंट ने भी नहीं माना। येट इट प्रूव टू बी अ टेस्ट टू हिज न्यू मेथडोलॉजी इन इंडिया। एजिटेशन कंटिन्यू रही और गांधी जी को भी रियलाइज़ हुआ कि मास मूवमेंट्स बहुत देर तक नहीं चलाए जा सकते। तो गवर्नमेंट ने कुछ कंसेशंस ग्रांट की, गांधी ने उनको थाम लिया और द मूवमेंट वॉज विदड्रॉन। सो वी कैन से यहाँ पे भी काफ़ी हद तक सक्सेस। सो गांधी 2 ब्रिटिशर्स 0। फिर अहमदाबाद में गांधी लेड द स्ट्रगल ऑफ द वर्कर्स। इनका क्या है, ये चाहते हैं वेजेस की इंक्रीज। वॉर टाइम चल रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, राइजिंग प्राइजेस, दे वांट वेजेस में इंक्रीज, वो नहीं माना जा रहा है, स्ट्रगल, एंड दे वर एबल टू गेट 35% रेज इन देयर वेजेस। सो गांधी 3 ब्रिटिशर्स 0। ये स्ट्रगल, लेकिन ये बस एक लाइन में हमने कह दिया, ये खेड़ा सत्याग्रह एक लाइन में हमने कह दिया अहमदाबाद मिल वर्कर्स। इसमें हुई होंगी ना हरकतें, गांधी ने कोई तजवीज़ पेश की होगी, रिजेक्ट हो गई, फिर गांधी ने ये बोला, फिर ऐसे हुआ, फिर गांधी ने बोला अब करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। वो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं, मैंने पढ़ी हैं तभी कह रहा हूँ कि अदरवाइज़ यूजुअली मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा होता है ये पढ़ा है मैंने, दिस इज़ इंटरेस्टिंग। तो इन स्ट्रगल्स ने क्या डेमोन्स्ट्रेट किया, इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया लोगों के सामने कि गांधी का जो मेथड है पॉलिटिकल स्ट्रगल्स का, इनके जो प्रिंसिपल्स हैं नॉन वायलेंट नॉन कोऑपरेशन के, ये वर्क करते हैं। एंड दे ऑन द अदर हैंड हेल्प्ड गांधी टू फैमिलराइज गांधी टू द इंडियन सिचुएशन, कि गांधी को भी तो पता होना चाहिए कि मेरे यहाँ हो क्या रहा है। ही हैज़ टू हैव अ पीपल्स कनेक्ट,
ही हैज टू अंडरस्टैंड पीपल्स स्ट्रेंथ पीपल्स वीकनेसेस एज वेल. ही कैन नॉट बी कि बाहर से कोई बाबू आया हमको बता रहा है कैसे करना है. नो नो नो. एंड गांधी लिव्ड अमंग पीपल, वेरी टॉल लीडर. एंड दे ऑल्सो अट्रैक्टेड दीज मैथड्स एटसेट्रा. गांधी को इसने काइंड ऑफ लॉन्च कर दिया. गांधी इज नॉट राइजिंग थोड़ा 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 थोड़ा, गांधी इज डायरेक्टली ऑन द सीन नाउ. एंड ही अट्रैक्टेड मेनी पोलिटिकल वर्कर्स जिन जो फिर आगे जाके बहुत बड़े काम आएंगे. तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा है जब ये सारी चीज़ें हो रही है. आप समझ ही सकते हैं इकोनॉमिक क्राइसिस जो वॉर एकम्पनी करता है वो तमाम मसाइल भी हैं. कंडीशन ऑफ पीपल वर्सनिंग एंड गवर्नमेंट इज एक्सट्रैक्टिंग और ज़्यादा निचोड़ो हिंदुस्तान के लोगों को इन द नेम ऑफ दीज वॉर एफर्ट्स. तो लोग बड़े रिजेंटमेंट में जी रहे हैं, बड़े परेशान हैं, बड़े दुखी हालात हैं लोगों के. एंड देयर वेर सेवरल एजिटेशंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट. इन एजिटेशंस को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने पास किया 1919 में, मार्च 1919 में, रॉलेट एक्ट. इस एक्ट के हिसाब से द गवर्नमेंट कुड अरेस्ट एनी पर्सन विदाउट वारंट एंड देन डिटेन हिम और हर विदाउट ट्रायल 2 साल तक. 2 साल के बाद करना है कोर्ट में पेश. अच्छा, यहाँ पे थोड़ा फलसफा समझिए. गवर्नमेंट की विंग्स को अलग अलग किया जाता है, अदरवाइज वो खुद ही, अगर गवर्नमेंट कानून बनाएगी, खुद ही उसको एग्जीक्यूट करेगी और खुद ही जज है, तो गवर्नमेंट ने किसी शख्स को पकड़ लिया कि इसने चोरी की है, अब गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी, गवर्नमेंट ही जज है, तो वो बोलेगी हाँ ये चोर है. तो देयर हैज़ टू बी अ सेपरेट जुडिशरी, राइट, ताकि गवर्नमेंट जब आपको बोलेगी इसने चोरी की है, आप बोलेंगे कोर्ट को मैंने चोरी नहीं की है. अगर आपने नहीं किया, फिर आप साबित कर दिए कोर्ट में कि आपने चोरी नहीं किया, तो आपको फ्री कर दिया जाएगा. दिस इज कॉल्ड थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स. तो ऐसे ही पावर्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी. हम यहाँ पे जुडिशरी में इंटरेस्टेड हैं. और ये दूसरी चीज़ जो आपको यहाँ पे समझ आ जानी चाहिए वो ये कि इसी बात से जो मैंने कही कि पुलिस के पकड़ने से, पुलिस का पकड़ना क्या हुआ, गवर्नमेंट का किसी को पकड़ने से ये साबित नहीं होता दैट पर्सन इज गिल्टी. गिल्ट एस्टेब्लिश करता है कोर्ट. सो पुलिस बस ले जाती है कोर्ट के पास, कोर्ट बोलेगा अब इसने, तो उसी को कहते हैं ना चार्जशीट फाइल की पुलिस ने. तो पुलिस क्या कहती है कि हमारे हिसाब से इन्होंने ये कानून तोड़ा है, और फिर ये कोर्ट में अब लड़ा जाएगा केस पुलिस की तरफ से उसको, गवर्नमेंट की तरफ से. देयर वुड बी समवन जो बोलेगा अपने आर्ग्यूमेंट्स के, देखिए ये एविडेंसेस हैं और ये हम इनके लिए कह रहे हैं. फिर ऑपोजिशन, अगर आपसे कोर्ट पूछेगा कि आपने ये गुनाह किए हैं कि जो आपको एक्यूज़ किया जा रहा है, आप कहेंगे हाँ, मामला हो गया रफा दफा, आपको सज़ा सुनाई जाएगी. आप बोलेंगे ना, तो बोले जाएंगे एविडेंस बताओ, तो आप अपना काउंटर एविडेंस प्रेजेंट करोगे, वो आपका लॉयर वो काम करेगा. तो दोनों फिर फाइनली जज बताएगा बाइज़त बरी, या इनमें से ये वाली चीज़ें प्रूव हुई, ये वाले प्रूव नहीं हुई, या सारे प्रूव हो गए, जो भी केस होगा. और दिस इज़ दैट योर गिल्ट हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड एंड देन देयर वुड बी, इसको कन्विक्शन कहते हैं, एंड देन देयर वुड बी सज़ा सुनाना. वो अलग सेंटेंसिंग के लिए फिर अलग हियरिंग होगी कि अब सज़ा क्या थे, एस्टेब्लिश तो हो गया. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे गवर्नमेंट को ऑथराइज कर रहा है रॉलेट एक्ट कि आप विदाउट वारंट और 2 साल तक आपको डिटेन करके रखा जाएगा कि आपने ये गलत किया है, रख दिया जेल में 2 साल के लिए. आपको दी, यू हैव नो रेमेडी इन कोर्ट. इस वक्त यू हैव रेमेडी अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 32 के अंडर, हैबियस कॉर्पस कहते हैं उसको, हैबियस कॉर्पस पिटीशन आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर सकते हैं. देन देयर आर प्रॉब्लम्स विद लॉज एवरीवेयर. हु इज प्रैक्टाइजिंग दैट लॉ, हाउ इज इट प्रैक्टाइज्ड. सो दोज थिंग्स ऑफन टाइम्स फिर बहस होती है कि आर हैबियस कॉर्पस पिटीशंस इवन वर्किंग. तो समटाइम्स द प्रोसेस इटसेल्फ बिकम्स पनिशमेंट. सो दोज डिस्कशंस कैन टेक प्लेस, बट एज ऑफ नाउ under article 32 of indian constitution people have this remedy. Anyone who has been taken up by anyone, not just, this is not a right against government only, it's a right against any person. So
फॉर एग्जाम्पल यू आर मैरिड, यू एंड योर वाइफ आर मैरिड एंड योर वाइफ्स से फॉर एग्जाम्पल पेरेंट्स दे डू नॉट वॉन्ट दिस मैरिज एंड वट दे हैव डन, दे हैव टेकन योर वाइफ एंड दे हैव लॉक्ड हर अप. सो वट कैन यू डू, यू कैन मूव कोर्ट, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट आप मूव कर सकते हैं कि हैबियस कॉर्पस पिटिशन फाइल कर सकते हैं एंड देन कोर्ट वुड आस्क गवर्नमेंट के प्रोड्यूस हिज वाइफ हेयर. फिर वाइफ से पूछेंगे कि आपको आपकी मर्जी से रखा गया है क्या, आपकी मर्जी के खिलाफ रखा गया है, तो बोलेंगे खिलाफ रखा गया. अगर खिलाफ रखा गया तो कोर्ट ऑर्डर करेगा इनको रिलीज करें. ऐसे ही अगर गवर्नमेंट ने किसी को बैन किया है तो कोर्ट ऑर्डर कर सकता है कि इनको रिलीज करें. ठीक, वैसे ज़रूरी नहीं है कि आप सुप्रीम कोर्ट जाएं, आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, लेकिन इसमें हक मिला है कि आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं. ऐसी बहुत सारी पिटिशंस आप अदा कर सकते हैं. तो यहाँ पे उसका ऑपोजिट हो रहा है. रॉलेट एक्ट में बड़े प्रोटेस्ट हुए इसके खिलाफ, हिंदुस्तानी लोगों ने बड़े डिमॉन्स्ट्रेशंस किए अगेंस्ट दिस रॉलेट एक्ट. गांधी ने भी इसमें बड़ा एक्टिव पार्ट लिया, अपना इन्होंने सत्याग्रह सभा शुरू की और क्या कहा लोगों को कि डिसोबे करो इस कानून को, अरेस्ट करते हैं, हो जाओ अरेस्ट. पूरे भारत बंद का इन्होंने ऐलान किया, कंट्री वाइड हड़ताल का, जो विच वॉज टू बी ऑब्जर्व इन डिफरेंट प्लेसेस ऑन डिफरेंट डेट्स एंड इट वॉज जनरली सक्सेसफुल. ये जो कॉल थी, गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने बड़ा आयरन हैंड यूज़ किया, बड़ा रिप्रेशन किया. वापस पंजाब में इस रिप्रेशन, अब ये रिप्रेशन अपने पीक पे पहुंचा. इट टुक इट्स वर्स्ट फॉर्म इन पंजाब. यू मस्ट हैव हर्ड द टर्म जलियांवाला बाग. ये एक जगह है अमृतसर में, यहाँ पे लोग जमा हो गए थे. वो भी खुद में एक स्टोरी है कि क्यों हुए थे, क्या हुआ था, वाई वर दे देयर, बट वट एवर द स्टोरी इज, देयर आर पीपल इन दैट गार्डन एंड दिस गार्डन इज काइंड ऑफ वॉल्ड गार्डन. एक एक एंट्री मान लीजिए है. जनरल डायर नाम के जनरल थे, ही शॉट एट अनआर्म्ड पीपल विदाउट वार्निंग एंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल डाइड, मैन वुमेन चिल्ड्रन. इसको याद किया जाता है जलियांवाला बाग मैसेकर. और फिर इसके बाद पूरे पंजाब में मार्शल लॉ अप्लाई किया गया. पंजाब में जो हालात हुए, इट हॉरिफाइड द एंटायर कंट्री कि ये भी कर सकते हैं, ये इस हद तक भी गिर सकते हैं, एंड इट जनरेटेड मच मोर एंगर अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल. इसी टाइम पे एक और हरकत हो रही है कहीं और, टर्की में. टर्की में द ब्रिटिशर्स हैव डिपोज्ड द खलीफा, द कैलिफ. वहाँ पे ऑटोमन का रूल था, ऑटोमन कैलिफेट थी, तो वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद कैलिफ को भी रिमूव कर दिया गया. तो इंडियन मुस्लिम्स वर अपोज्ड टू इट. इंडियन मुस्लिम्स एज अ होल दे रिगार्डेड दिस ऑटोमन कैलिफ एज देयर रिप्रेजेंटेटिव एंड दे स्टार्टेड देयर ओन खिलाफत मूवमेंट फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ खलीफा इन टर्की. इसके बड़े लीडर्स थे मोहम्मद अली एंड शौकत अली. गांधी जी ये देख रहे हैं दूर से. गांधी जी कह रहे हैं ये तो बढ़िया है, दोनों को, मुसलमानों को और हिंदुओं को, दोनों को जब मार सेम डंडे से पड़ेगी, इनको पता चल जाएगा हमारा मसला एक है और ये एक दूसरे के लिए सिंपैथी जनरेट हो जाएगी. सो खिलाफत मूवमेंट वॉज डायरेक्टली नॉट रिलेटेड टू इंडियन पॉलिटिक्स, बट इट वॉज रिलेटेड टू सर्टन इंडियंस एंड गांधी वॉज अ वेरी इंटेलिजेंट लीडर. गांधी न्यू कैसे एक लोकल इशू को नेशनल इशू बनाना है, कैसे लोगों को गैल्वनाइज करना है, मोबालाइज करना है. गांधी थॉट दैट इसमें एक अपॉर्चुनिटी है हिंदूज और मुसलमानों को यूनाइट करने की अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड ही ओपनली सपोर्टेड द मोमेंट. गांधी ने डिसाइड किया कि नॉन कोऑपरेशन मोमेंट को हम इसके साथ, खिलाफत मूवमेंट के साथ एक साथ हम ऑल इंडिया लेवल पे लॉन्च करेंगे. सितंबर 1920 में एक स्पेशल सेशन कंडक्ट हुआ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का, इट वाज हेल्ड इन कलकत्ता, और वहाँ पे डिसाइड हो गया कि वी वुड लॉन्च दिस मोमेंट. नागपुर कांग्रेस दिसंबर 1920 ने इसको फर्दर अप्रूव किया एंड इंडियन पीपल वर आस्क्ड टू बायकॉट फॉरेन गुड्स एंड अडॉप्ट स्वदेशी. स्वदेशी मतलब अपने देश का, सो लोकल प्रोडक्ट्स को अडॉप्ट करो. गवर्नमेंट स्कूल्स को बायकॉट करो, कॉलेजेस और कोर्ट्स और काउंसिल्स, इन सब को बायकॉट करो. किताबें पढ़नी है नेशनल किताबें पढ़ो. आर्बिट्रेशन कोर्ट्स खुद सेट करो ताकि जो आपको कोर्ट भी ना जाना पड़े, इनके खुद आपस में मसले सुलझाओ. और खादी का इस्तेमाल करो.
दिस प्रोग्राम ऑल्सो आस्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ टू रिज़ाइन, लोगों से कहा गया टैक्स नहीं अदा करो और अनटचेबिलिटी को ख़त्म करो, हिंदू मुस्लिम यूनिटी को इसको बढ़ाओ। ये बहुत बड़े लेवल पे ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ, अनप्रेसिडेंटेड। हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स ने यूनिवर्सिटीज़ छोड़ी, कॉलेजेस छोड़े, हंड्रेड्स ऑफ लॉयर्स एंड मैनी गवर्नमेंट सर्वेंट्स दे लेफ्ट देयर जॉब्स। ज़्यादातर लोगों ने इलेक्शंस में वोट देने से इनकार कर दिया, फॉरेन क्लॉथ इसको बॉयकॉट किया गया, थाउजेंड्स वेर इन्वॉल्व इन पिकेटिंग ऑफ शॉप्स जहाँ पे फॉरेन गुड्स सर्व होते थे, सेल होते थे, उसको ना कवर कर दिया। पिकेटिंग मीन्स उसको उसके चारों ओर कवर करना, किसी को वहाँ जाने न देना। एंड लिकर शॉप्स वेर बर्न्ड इन मेनी प्लेसेस, पेजेंट एंड वर्कर्स दे वेर ऑल्सो इन्वॉल्व विद स्टूडेंट्स, मिडिल क्लास एंड वुमेन। देयर वॉज फार रीचिंग इन्फ्लुएंस ऑफ ऑल ऑफ दीज एक्ट्स, मिलियंस। और इससे क्या हुआ, वो नेशनलिज्म की भावना, नेशनलिज्म की फीलिंग, वो अब लोगों में आने लगी। वो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाज़ुए कातिल में है। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर हैपनिंग एंड एन एंटी एम्पीरियलिस्ट फीलिंग इज स्प्रेडिंग वाइड अक्रॉस द कंट्री। एंड दिस मोमेंट शोड इंडियंस दैट यू कैन डू इट, इट गेव देम सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम वॉज रिस्टोर्ड। बहुत बड़ा मोमेंट था, लेकिन गांधी के प्रिंसिपल से कहीं कहीं पे ये आगे निकल गया। इसमें सबसे बड़ा इंसिडेंट था 1922 में चौरी चौरा का इंसिडेंट। चौरी चौरा एक जगह है, यहाँ पे एक पेजेंट्स का ग्रुप था, दे बर्नड अ पुलिस स्टेशन। व्हाई डिड इट डू दैट, उसकी भी अपनी स्टोरी है। 22 पुलिसमैन इसमें दे डाइड देयर, सो दे वर किल्ड इन रिटेलिएशन ऑफ व्हाट हैड हैपेंड अर्लियर। बट गांधी वॉजंट अ पर्सन हु वुड टेक दिस ईजिली, कि तुमने भी ऐसा किया तो ये रिटेलिएशन था। गांधी वॉजंट लाइक दैट, ही वॉज अ मैन ऑफ हिज। आप उनके उसूलों को तो क्रिटिसाइज़ किया जा सकता है, किया भी है लोगों ने पास्ट में, उनके खुद के ज़माने में भी क्रिटिसाइज़ हुआ है। बट वट एवर हिज प्रिंसिपल्स वेयर, ही वॉज बाय एंड लार्ज ट्रू टू दैम, एट लीस्ट दैट्स वॉट अपेयर्स फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन वी हैव। एंड फॉर द सेक ऑफ दिस डिस्कशन वील टेक दैट टू बी ट्रू। सो ही इज़ नॉट ऑफ दिस ओपिनियन, ही इज़ अहिंसा, नहीं करना है ये, उन्होंने किया तो क्या हुआ। सो गांधी कंडेम्ड दिस इंसिडेंट एंड ही विदड्रॉज द मोमेंट, के नहीं करना है। अब ये इसको समझिए, ये अपने पीक पे चल रहा है ये मोमेंट, इज एवरी वन इज इन्वॉल्व, ब्लड इज इन्वॉल्व, ताकत इन्वॉल्व है, सब कुछ इन्वॉल्व, एंड ही इज लाइक नो, विदड्रॉज द मोमेंट। एंड इट शॉक्स पीपल, इट शॉक्स कांग्रेस पीपल, बट गांधी रिमेंड एडमेंट एंड ही स्टार्टेड हो ना, आई डोंट नो द करेक्ट टर्म फॉर इट इन उर्दू और इंग्लिश, प्रायश्चित, पश्चाताप, क्या वो टर्म होगा उर्दू में, हो ना, कफारा अदा करना किसी के लिए, कि आपने कोई गलती की है, एंड देन यू पे रैनसम फॉर इट। सो गांधी स्टार्टेड ए 5-day फास्ट, कि हमसे ये गलती हुई है। एंड दिस इज वेयर द नॉन कोऑपरेशन मोमेंट एंड्स। ये जो ये सडन विड्रॉल था नॉन कोऑपरेशन मोमेंट का, इसने बड़ा डिमोरलाइज किया कार्डर्स को। कांग्रेस के जो लीडर्स थे, देवर डिमोरलाइज्ड, एंड वर्कर्स देवर डिमोरलाइज, एंड वेन द कॉम इज डिमोरलाइज, उनकी एक्टिविटी भी कम हो जाएगी, तो पोलिटिकल एक्टिविटीज़ डिक्लाइन हो गई इस टाइम में। सो हम कब की बात कर रहे हैं, हम कर रहे हैं जस्ट इमीडिएटली आफ्टर 1922 की बात। बट there happens something in 1927, that is in 5 years something happens. What happens? Simon Commission 8 November 1927 it was appointed. Simon Commission का मतलब क्या हुआ? Commission कहते हैं कुछ लोगों का group बना है, ये आएंगे अब खाएंगे बिरयानी, that's a commission, लोगों का group with a given mandate, जैसे public service commission, ये public services को appoint करने के लिए government को suggestion देती है। ठीक, ये क्या करती है, ये कहती है कि ठीक है सर, हमने ये टेस्ट कंडक्ट किए, इसमें से ये 6 बच्चे हैं, इनको हम रेकमेंड कर रहे हैं फॉर सिविल सर्विसेज। ठीक, फिर गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट करती है कि ठीक है, और उनको लेती है अपनी ब्यूरोक्रेसी में। ये क्या हो गया, ये हो गया पब्लिक सर्विस कमीशन। अब ये पब्लिक सर्विस कमीशन अगर जम्मू कश्मीर का है तो जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन, ये हिंदुस्तान का है पूरा तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तो एक कमीशन है। ठीक, वहाँ पे कोई काम हुआ है, कुछ मसला हुआ है, डैम बन रहा है, लोग हल्ला कर रहे हैं कि मत बनाओ,
तो गवर्नमेंट एक कमीशन बिठा सकती है कि ज़रा इसको स्टडी करो, ये लोगों के जो मसाइल हैं ये सही हैं या नहीं हैं। तो एक डैम कमीशन बन गया। ठीक, दिस इज़ व्हाट अ कमीशन, दिस इज दीज आर ग्रुप ऑफ पीपल हु ट्राई टू सॉल्व अ पर्टिकुलर, हु हैव बीन गिवन ए पर्टिकुलर मैंडेट। साइमन कमीशन, इनको कोई साइमन वाला काम नहीं करना है, ये साइमन नाम है एक बंदे का। यूजुअली कमीशंस व्हेन दे आर एडहॉक, ओके व्हाट इज एडहॉक, एडहॉक मींस नॉट परमानेंट, यूपीएससी परमानेंट कमीशन है, ये चलता रहेगा। एडहॉक कमीशन अभी किसी मसले के लिए बनाया गया, बाद में इसको डिसबैंड किया जाएगा। साइमन कमीशन एक एडहॉक कमीशन है, ये किसी छोटे टाइम के लिए, मखसूस टाइम के लिए बनाया गया है। इसको क्या कर, एंड इट इज़ सच कमीशंस, एडहॉक कमीशंस आर यूजुअली नेम्ड आफ्टर द पर्सन हु इज़ लीडिंग द कमीशन। हर कमीशन का एक लीडर होगा, एक एक हेड ऑफ द स्टेट होता है, वैसे ही कमीशन का भी हेड होता है। जैसे कोर्ट का, वहाँ बहुत सारे जजेस होते हैं, फिर चीफ जस्टिस होता है, ऐसे ही इन कमीशंस का भी होता है, बड़े सारे कमीशंस होते हैं। तो ऐसे ही साइमन, साइमन के नाम पे इस कमीशन का नाम है। मसला क्या है, इसने क्या सरगर्मी शुरू कर दी। द कमीशन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ फर्दर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोग्रेस, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोग्रेस हिंदुस्तान में करने के लिए, कानूनी तब्दीलियाँ। इससे पहले कोई कानूनी तब्दीली हुई थी, बड़ी सारी हुई थी। हमने चार्टर एक्टर्स के बारे में तो बात नहीं की क्योंकि हम बड़ी जल्दी जल्दी पास कर रहे हैं। इससे पहले दो बड़ी चीज़ें हुई हैं, एक हुए हैं उनको कहते हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, और हुए हैं मॉन्टेक चैम्सफर्ड रिफॉर्म्स। तो ये बहुत बड़े दो रिफॉर्म्स हुए हैं हिंदुस्तान में जस्ट बिफोर दिस, दस साल पहले इससे, 10 साल और 20 साल पहले। तो अब इस कमीशन को बिठाया गया कि फर्दर कुछ चेंजेस रेकमेंड करे, करने की ज़रूरत है क्या। मसला क्या है हिंदुस्तानी पर्सपेक्टिव से, क्या तुम लोग हमारे बारे में डिसाइड करने वाले हो कि हमारे यहाँ क्या मसला है, और हमारा ही कोई रिप्रेजेंटेटिव कमीशन में है नहीं, देयर इज़ नॉट ए सिंगल इंडियन इन इट। दिस मैंट दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिड नॉट हैव एनी फेथ इन द इंडियन एबिलिटी कि ये कुछ खुद कर सकते हैं। बाय द वे दिस चैलेंज वॉज ऑल्सो टेकन अप बाई इंडियंस एट दैट टाइम। ये इस पर भी, ये भी एक मजाक था कि तुम लोग से तो खुद कुछ हो नहीं सकता। एंड देन दे इवन रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन एट दैट टाइम, द फेमस नेहरू, हिज फादर काइंड ऑफ हेडेड दैट थिंग। नाउ दिस वॉज एन इंसल्ट टू द इंडियंस, एंड इट वॉज डिसाइडेड कि हम इस कमीशन को बायकॉट करेंगे। कांग्रेस ने डिसाइड किया कि हम इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। स्ट्राइक्स हुई, डेमोन्स्ट्रेशंस हुई, जहाँ जहाँ भी कमीशन जाता था। इस मोमेंट ने फिर से पूरी कंट्री को गैल्वेनाइज कर दिया। ये जो ठंडी पड़ी थी कौम, ये फिर से जिंदा हो गई। द यूथ वॉज स्टर्ड एंड इट क्रिएटेड ए ग्राउंड फॉर न्यू ऑल इंडिया मोमेंट। अच्छा, ये जो ये वाला हिस्सा है ना, ये जस्ट बिफोर, अभी फिर से गर्म खून हो रहा है। इसमें जो यूथ का जिक्र हुआ ना यहाँ पे, इसको ऐसे ही नहीं समझना कि बस पासिंग रेफरेंस बोल दिया यूथ। इस वक्त नौजवान खून और ज़्यादा गर्म होने लगा था। ये बड़ी मूवीज़ में इस थीम को दिखाया जाता है। आपने अगर रंग दे बसंती देखी होगी, उसमें भी इसका जिक्र है। अगर आपने देखा होगा, लाला जी को मार दिया, वो लाठी चार्ज हो रहा होता है और लाला जी को मार दिया, तो वो साइमन कमीशन के ख़िलाफ़ ही प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। वो यही प्रोटेस्ट है, और वो हिस्टोरिकल ऐसा एक्चुअली हुआ था। खैर, लाहौर में 1929 की बात है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन चल रहा है, एनुअल सेशन, हर साल मिलते थे। अच्छा, एनुअल सेशन क्या होता है सेशन क्या होता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस ये एक ग्रुप है लोगों का, ठीक, ये ग्रुप है लोगों का। ये क्या करते हैं, ये हर साल मिलते हैं कहीं पे, उसको बोलेंगे एनुअल सेशन कांग्रेस का। वहाँ पे अपने प्रस्ताव पेश करते हैं, व्हाट आर वी गोइंग टू डू अप नेक्स्ट, व्हाट इज़ आवर ओपिनियन अबाउट दिस, दे सिट देयर एंड दे डिसाइड इट, एंड इट्स अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस। अब हर एक ऐसे सेशन को कोई लीड करेगा। सो सुलकर्क इज़ लीडिंग दिस सेशन ऑफ कांग्रेस, शाकिर इज़ लीडिंग दैट सेशन ऑफ कांग्रेस, ऐसे ही गांधी वुड बी लीडिंग अ सेशन, सुभाष चंद्र बोस वुड बी लीडिंग, नेहरू वुड बी लीडिंग, ऐसे ही डिफरेंट पीपल वुड बी हेड ऑफ द सेशंस। सो दिस दीज वुड बी एनुअल सेशंस। सो एनुअल सेशंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वुड टेक प्लेस इन डिफरेंट सिटीज, एंड देयर इज लॉजिक बिहाइंड दैट। इस ये इसको देता है पैन इंडिया कलर,
अगर ये अब सिर्फ सारे सेशन दिल्ली में करते, लोगों के साथ कनेक्ट कैसे कर पाते? बड़ा मुश्किल था लोगों के साथ कनेक्ट करने। ये इवेंट खुद में एक इवेंट बन जाता था, विच वुड कैप्चर पीपल्स इमेजिनेशन, विच वुड गिव द पार्टी अ नेशनलिस्ट कलर। तो एनुअल सेशन कांग्रेस का लाहौर में 1929 में, बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेजोल्यूशन पास किया गया, पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन कहते हैं उसको। पूर्ण स्वराज किसको कहते हैं? स्वराज हो गया स्व, स्व जहाँ पे लगता है हिंदी में और संस्कृत में, दैट इज फॉर सेल्फ, सेल्फ। और राज तो आपको पता है, राज मतलब हुकूमत, ठीक। स्वराज मतलब सेल्फ रूल, पूर्ण, पूर्ण कहते हैं पूरे को, कंप्लीट को, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, कंप्लीट सेल्फ रूल, ये चाहिए हमको। पूर्ण स्वराज डिक्लेयर हुआ एट लाहौर सेशन। 12 मार्च 1930 इसके लगभग एक साल बाद गांधी लॉन्च्ड द न्यू फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। ये मूवमेंट, इसको कहते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस खुद में एक फलसफा है प्रॉपर, जिसको पढ़ा हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह कभी। इसके बड़े थिंकर्स हैं कुछ एक, उनको भी देखेंगे। एंड इट स्टार्टेड विद द हिस्टोरिक दांडी मार्च। गांधी एंड 78 ऑफ हिज फॉलोवर्स पार्टिसिपेटेड इन दिस दांडी मार्च। अच्छा, इससे पहले ये रेजोल्यूशन, ये क्या होता है? ये रेजोल्यूशन आप लेते हैं ना, न्यू ईयर रेजोल्यूशन, वो क्या होता है? न्यू ईयर रेजोल्यूशन, इस साल मैं डाइटिंग करूंगी, ठीक, इस साल मैं मेहनत करूंगा, इस साल मैं पढ़ाई करूंगा, इस साल मैं सारी नोटबुक्स टाइम पे बनाऊंगा। तो ये क्या होता है रेजोल्यूशन? ये होता है मेरा फैसला इस साल के लिए। तो यू कैन कंसिडर ए रेजोल्यूशन टू बी लाइक दिस, कि इंडियन नेशनल कांग्रेस हैज रिजॉल्व दैट इट वुड फाइट फॉर पूर्ण स्वराज। कि फैसला लिया गया है लीगल तौर पे, पार्टी के अंदर, ठीक है, गवर्नमेंट के लिए लीगल नहीं है इसको, बाजाबता प्रॉपर जो पार्टी की मेथडोलॉजी है उससे अडॉप्ट किया गया कि हमारा मकसद ये है पूर्ण स्वराज, दैट्स अ रेजोल्यूशन। तो रेजोल्यूशन आपके पार्लियामेंट भी पास करते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबलीज भी पास करती है, तो वहाँ पे कोई प्रेजेंट करता है रेजोल्यूशन। तो सुल्काक ने प्रेजेंट किया रेजोल्यूशन, स्पीकर ने बोला कि इस रेजोल्यूशन पे बताए कौन कौन, दोज हु आर सेइंग यस से 51% सेड यस, दोज हु आर सेइंग नो से 25% सेड नो, दोज हु आर एब्सटेनिंग दे आर 24%, वट एवर द रेस्ट ऑफ द पीपल आर। एंड देन द स्पीकर वुड से दिस रेजोल्यूशन पासिस, अगर रूल है कि 50% से ज़्यादा वोट करेंगे तो पास हो जाता है, इट नीड नॉट बी द रूल, द रूल कैन बी 70% हैव टू से यस, देन द रेजोल्यूशन पासिस। देयर वुड बी सच टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशन एज वेल। सो दैट्स व्हाट अ रेजोल्यूशन इज। सो पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन हैज बीन पास्ड, दैट मीन्स उन्होंने फैसला लिया है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट दांडी मार्च से शुरू हुआ। सो दांडी मार्च क्या होता है? मार्च आपको पता है महीने का नाम है? नहीं, यहाँ पे महीने का नाम नहीं है, यहाँ पे चलने को कहा जा रहा है, मार्च पास, ठीक, चलना, वी आर मार्चिंग टूवर्ड्स सो एंड सो। दांडी, दांडी जगह का नाम है, तो दांडी मार्च, दांडी की तरफ हुआ सफ़र, उसको दांडी मार्च कहते हैं। अच्छा, अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा, कुछ कॉइन्स पे भी एक एक फ़ोटो होती है, कुछ जगहों पे उसकी मूर्तियाँ भी बनी हैं हिंदुस्तान में। गांधी जी आगे चल रहे हैं विद ए स्टिक इन हिज हैंड, और पीछे एक ग्रुप चल रहा है उनके पीछे, छोटा छोटा होता जाता है वो टूवर्ड्स हिज बैक। सो दैट इज सिम्बॉलिक दांडी मार्च बाय द वे। तो ये कहाँ से कहाँ शुरू हुआ? साबरमती आश्रम। साबरमती ये जगह का नाम है, आश्रम यू नो, तो साबरमती में गांधी जी ने आश्रम बनाया था जहाँ पे वो खुद रहते थे और इनके कार्यकर्ता एट्सेट्रा रहते थे, तो ये उनके साथ रहते थे गांधी जी, तरबियत साथ ही होती है। साबरमती एक नदी का भी नाम है, तो साबरमती नदी बड़ी मशहूर नदी है गुजरात की, तो साबरमती आश्रम गुजरात में ही है। गांधी जी खुद भी गुजराती ही थे, प्रोबेबली पोरबंदर नाम के शहर के थे वो, वहाँ से थे। तो अच्छा, दांडी जाना क्यों है? इसका क्या लेना देना है सिविल डिसोबीडियंस से? इसका ये लेना देना है सिविल डिसोबीडियंस से कि दांडी नाम की जगह जो है ये कोस्टल विलेज है। कोस्टल विलेज मतलब समुद्री तट पे, समुद्री तट पे यहाँ पे नमक बनाया जा सकता था, तो नमक बनाने का क्या लेना देना है?
नमक बनाने के दो लेने देने हैं। पहला लेना देना है सिविल डिसोबीडियंस, कहने का मतलब आप हमको मना करते हो नमक बनाने से, हम नमक बनाएंगे, कानून तोड़ दिया, दैट इज कॉल्ड डिसोबीडियंस। तो सॉल्ट अंडर ब्रिटिश लॉ इंडियंस प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो ये कह रहे हैं कि हम तो प्रोड्यूस करेंगे, ये पहली बात। सॉल्ट ही क्यों, गांधी जी बड़े इंटेलिजेंट हैं, बहुत ज़्यादा, मोर देन व्हाट यू कैन इमेजिन। सॉल्ट, हमने इस देश का नमक खाया है, सॉल्ट इज़ ए वेरी इमोशनल थिंग, नमक हरामी नहीं करना कभी, मेरे मुन्ने बोल न जाना, नहीं वो दूध का कर्ज है, वो नमक का कर्ज नहीं है, ठीक है। नमक का कर्ज भी अदा करना होता है, ठीक, तो नमक हलाल रहना होता है, सॉल्ट ट्रू टू हिज सॉल्ट, ठीक, तो ऐसे रहना होता है। खैर, सॉल्ट कनेक्ट्स टू लोकल मासेस, सॉल्ट कनेक्ट्स विद एवरीवन, ठीक, देश का नमक। सो मेकिंग सॉल्ट वॉज प्रोहिबिटेड अंडर ब्रिटिश लॉ, तो अब इन्होंने कानून तोड़ा तो क्या करें, तो दे वर अरेस्टेड, देयर वर मैसिव प्रोटेस्टर्स। अच्छा, इसकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है फिर, इसने बड़ा मसला पैदा किया कि नमक बनाने पे तुमने इसको अरेस्ट कर दिया, ये बड़ी खूबसूरत स्टोरी है, बड़ा मजा आएगा जब इसको डिटेल में कभी पढ़ेंगे, अभी क्विकली। सो देयर वर मैसिव प्रोटेस्टर्स अराउंड द कंट्री, हजारों लाखों की तादाद में लोग सड़कों पे आ गए, डेमोन्स्ट्रेशंस एंड मीटिंग्स आर हेल्ड एवरीवेयर, स्ट्राइक्स आर एवरीवेयर, शॉप सेलिंग फॉरेन गुड्स पिकेटेड, किसी को ना खरीदने देंगे कुछ नहीं, खादी और चरखा इसको एनकरेज कर रहे हैं, हंड्रेड्स ऑफ पीपल लीव एंड क्विट देयर जॉब्स, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स दे लीव देयर कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज, बॉम्बे में और बाकी इंडस्ट्रियल सेंटर्स जो थे, वर्कर्स ने स्ट्राइक की, मैसिव डेमोन्स्ट्रेशन, कुछ एरियाज में पेजेंट्स दे स्टॉप्ड पेइंग टैक्सेस, ब्रिटिश गवर्नमेंट को देखा भाई हाथ से निकल रहा है मसला, सो दे इन्वाइटेड कांग्रेस फॉर ए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ये क्या होता है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस है, कॉन्फ्रेंस क्या होती है, लोग जमा हो रहे हैं किसी मुद्दे पे बात करने के लिए, अब ये किसी राउंड टेबल के अराउंड हो रही है बात, तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सो दैट्स अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अच्छा, यूजुअली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इज फिजिकल, दो इट इज़ बेस्ड ऑन द फिजिकल शेप ऑफ द टेबल अराउंड विच द डिस्कशन इज टेकन प्लेस, बट इट इज़ सिम्बॉलिक एज वेल। राउंड टेबल में अगर आप ध्यान दें, अगर राउंड टेबल के अराउंड लोग बैठे हुए हैं, व्हाट्स हैपनिंग साइमल्टेनियसली, ईच वन इज फेसिंग ईच वन, सो एज इक्वल। अगर टेबल होगा तो रेक्टेंगुलर टेबल होगा, तो उसमें ये पॉसिबल नहीं होगा, उसमें रेक्टेंगुलर टेबल में कुछ साइड्स बड़ी होंगी, कुछ साइड्स छोटी होंगी, तो बड़ी वाली साइड्स जो बैठे हैं दे आर आम आदमी, एंड मेंटोस आदमी कहाँ पे है, वो छोटी वाली साइड एक बंदा बैठा है। राउंड टेबल में एवरी वन इज़ फेसिंग एवरी वन, एवरी वन इज़ इक्वल स्टेक होल्डर, तो इसकी सिम्बॉलिक मीनिंग वो है, चाहे फिर फिजिकली टेबल राउंड हो ना हो, पता चला आप गए फिजिकल टेबल देखने के राउंड था कि नहीं, गोल मेज कॉन्फ्रेंस इसको कहते हैं, ऐसी तीन कॉन्फ्रेंसेस हुई थी। खैर क्या करना है, मेरे हिसाब से तो बिरयानियाँ उस वक्त भी खा रहे थे लोग, तो बिरयानी खाने के लिए कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, तो इन्होंने इंपॉर्टेंट इश्यूज डिस्कस करने हैं। खैर, डिस्पाइट द ऑपोजिशन ऑफ मेनी कांग्रेस लीडर्स एंड वर्कर्स, गांधी कहते हैं नहीं हम पार्टिसिपेट करेंगे, और इन्होंने एजिटेशन को सस्पेंड किया, एंड ही साइंड व्हाट इज़ कॉल्ड द गांधी इरविन पैक्ट। इसमें कुछ एक मसाइल थे जिनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी माना, गांधी ने भी कुछ एक चीज़ें मानी, एंड द मोमेंट वॉज विदड्रॉन। अच्छा, यहाँ पे भी हम क्रिटिकल नज़रिए से देख सकते हैं, वॉज इट द राइट थिंग टू डू जो गांधी जी ने की, बट इट सीम्स टू मी गांधी वॉज अ पर्सन हु वुड गिव फेयर चांसेस बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। गांधी जी ऐसा करते थे, इसका कहने का मतलब हुआ कि ब्रिटिशर्स ने दे हैव एक्सटेंडेड दिस चांस, आप इसको क्यों रिजेक्ट कर रहे हो, आप रिजेक्ट इसको इसलिए कर रहे हो, वी कैन ट्रस्ट देम। गांधी वुड बी लाइक कि ये वाली चीज़ पहली बार हो रही है, लेट्स सी, ऐसा मुझे लगता है कि गांधी वॉज दैट काइंड ऑफ ए पर्सन, कि लेट्स सी दे आर आस्किंग अस टू टॉक, वाई नॉट टॉक, अगर ये देखेंगे, अगर इन्हें नहीं किया तो वी हैव ए चांस टू क्विट एनी टाइम, हम क्विट कर लेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है गांधी देयर फॉर एक्सेप्टेड इट। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल्ड,
ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोई भी कांग्रेस की डिमांड को मानने से इनकार कर दिया। इनकार कर दिया, गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस फिर से स्टार्ट कर दिया। लेकिन मसला ये है कि टायर का पंचर हो चुका है, हवा निकल चुकी है, एनर्जी ख़त्म हो चुकी है, लोग फिर ये दोबारा नहीं होता रीस्टार्ट। ये हो गया, एक बारी गिरफ्त से हाथ गिरफ्त से चीज़ चली गई तो चली गई, अब क्या कर सकते हो। सो एंड गवर्नमेंट ने इस बारी फुल फ्लेज्ड फोर्स यूज़ किया। 100,000 कांग्रेस के एक्टिविस्ट अरेस्ट किए गए, मीटिंग्स और डेमोन्स्ट्रेशन को बैन कर दिया गया, नेशनलिस्ट लिटरेचर को प्रोहिबिट किया गया, प्रेस को सप्रेस किया गया। कांग्रेस ने मूवमेंट को 1934 आते आते विड्रॉ कर दिया। वी वुड स्टॉप हियर, नेक्स्ट टाइम वी मीट इंशाल्लाह वी वुड लुक एट व्हाट हैपेंड आफ्टर दिस।